निर्भया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार दोपहर 2:30 बजे केंद्र सरकार की तरफ से दायर उस याचिका पर अपना फैसला देगी जिसमें केंद्र सरकार ने निचली अदालत की तरफ से निर्भया के हत्यारों के डेथ वारंट पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने का आदेश दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील देते हुए कहा था कि इस मामले में अलग अलग दोषियों को अलग अलग वक्त पर फांसी दी जा सकती है, क्योंकि निचली अदालत ने तिहाड़ जेल के जिस नियम का हवाला देकर निर्भया के हत्यारों की फांसी अनिश्चितकालीन वक्त के लिए टाल दी थी। इस याचिका पर शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बीच दोषियों की फांसी टलने का मामला मंगलवार को राज्यसभा में भी उठा। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस से हस्तक्षेप की मांग की है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, एक बार फिर से इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगी पिछले दलील को सुनने के बाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से निर्भया केस काफी चर्चित रहा है और 7 साल केस चलने के बावजूद, 7 साल से ज्यादा इस केस को हो गए, उसके बावजूद अब ऐसी स्थिति आना कि पटियाला हाउस कोर्ट स्टे कर दे फांसी को, तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए भी एक सदमे की बात है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह से याचिका डाली गई, उसके बाद तुषार मेहता ने अपने तथ्य भी बहुत ही अच्छे से रखे और उन्होंने साफ तौर कई केसों का हवाला दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक केस में कई गुनहगारों और उन्हें अलग अलग फांसी नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, तो आज जब कोर्ट बैठेगा लगभग 2:30-3 बजे के आसपास, जो है इसे लेकर कोर्ट फैसला देगा कि क्या चारों दोषियों में जिन लोगों की दया याचिकाएं या जो भी विकल्प थे वो बंद हो चुके, क्या उन्हें फांसी दी जा सकती है या चारों को एक साथ में फांसी होगी। हालांकि एपी सिंह अभी भी अपनी बातों पर स्पष्ट है कि जब एक केस में चारों गुनहगार हैं तो ऐसे में किसी एक को फांसी नहीं दी जा सकती। जी बिल्कुल, अब जिस तरह से अमित, ये गृह मंत्रालय की तरफ से याचिका लगाई गई है जिसमें जैसे कि आप बता भी रहे, जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग फांसी जो है वो दी जा सकती है, इसको लेकर फैसला आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी, तो किस तरह से जो दलीलें हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी इस बात को पुख्ता करने के लिए? अमित, देखिए दलीलें जो है वो रखी जा चुकी है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से रखा था और उन्होंने कई केसों का हवाला दिया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर कोर्ट जब तक फांसी नहीं दे सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई SLP पड़ी हो, यहाँ तक कि अगर सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका भी है तो भी कोर्ट फांसी की सजा के लिए ऐलान कर सकता है, यानी तारीख दे सकता है अगर क्यूरेटिव पिटीशन या दया याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हो। अब यहाँ पे कोई SLP नहीं है, यहाँ तक कि मुकेश जो की दोषी है उसके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, राष्ट्रपति की दया याचिका हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सारी खारिज हो चुके। विनय जो है उसकी भी राष्ट्रपति की याचिका खारिज हो चुकी है, तो ऐसे में दो दोषी ऐसे हैं जो कि जिनके रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और बाकी जो दो है उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन का ऑप्शन है। तो ऐसे में अगर कोर्ट चाहे तो जिन लोगों के रास्ते बंद है उनके लिए फांसी की तारीख का अनाउंसमेंट कर सकता है, उन्हें फांसी दी जा सकती है। और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अमित, 1 फरवरी जो तारीख मुकर्रर की गई थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक इंसाफ का दिन 1 फरवरी साबित हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मामला एक के बाद एक कानूनी पेच में फंस रहा है और इसको टालने की कोशिश जो है दोषियों के वकील की तरफ से की जा रही है, अब ऐसे में आज दिल्ली हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है इस पर देश भर की निगाहें, और मामला इसलिए भी बेहद गंभीर क्योंकि राज्यसभा में भी मुद्दा उठ चुका है और आम आदमी पार्टी ने खुद कहा है कि राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि खासतौर जो तुषार मेहता ने रखा है कि कोर्ट का भी कहीं ना कहीं जो न्याय है देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय होता है एक तरह से, इससे लोगों में गलत मैसेज जा रहा है, कोर्ट की भी साथ जो है वो दांव पे है क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर इन गुनहगारों को अब तो फांसी होगी ही, तो ऐसे में कोर्ट को भी अपनी साख बचानी है। लेकिन चूंकि इतने सारे विकल्प होते हैं और यही बात थी कि एपी सिंह ने कहा कि अगर किसी भी
व्यक्ति के पास, किसी भी दोषी के पास अगर इतने सारे विकल्प है कानून और संविधान में, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं। तो जाहिर तौर पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखा था, क्योंकि सबसे चर्चित केस है। अगर खासतौर बात करें, हजारों लोग जो है वो इंडिया गेट पे जमा हुए थे, पूरे देश ने कहीं ना कहीं निर्भया के उन दरिंदों की फांसी का इंतजार किया है। तो ऐसे में न सिर्फ कोई सरकार बल्कि हर कोई चाहता है कि इन्हें जल्द से जल्द फांसी हो, और यही वजह है, चाहे पार्लियामेंट हो या रोड पे हो या कोर्ट पे हो, हर जगह लोग जो है वो निर्भया के गुनहगारों के फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अब क्योंकि 2:30-3 बजे के लगभग जब फैसला आएगा, तो क्या कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, बिल्कुल सभी की निगाहें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।